नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री तारानगर। आज अपना टॉपिक होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, कौन से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होते हैं, वह कौन से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होते हैं। आज हम कंपाउंड को देखते ही तुरंत बता देंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा या फिर नॉन एरोमेटिक होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखो, हमारे साथ चलो, तब आपको एकदम कंठस्थ ध्यान में आ जाएगा। तो अपने बात करते हैं कि कंपाउंड हैं, उनको तीन भागों में बांट सकते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक व नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक होने के लिए चार कंडीशन है, कोई चार कंडीशन की पालना करेगा वो एरोमेटिक है। यही एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी चार कंडीशन है, इन चार नियमों की पालना कर लेगा कोई, चार कंडीशन को फॉलो कर लेगा वो एंटी एरोमेटिक है। और जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं है, तो दुनिया के सभी कंपाउंड जो एरोमेटिक व एंटी एरोमेटिक नहीं होते, फिर वो क्या होते हैं? कंपाउंड तो होते हैं, वो किस में आ जाएंगे? नॉन एरोमेटिक में। एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहली बात, एरोमेटिक की बात करते हैं, एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहली बात यह है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक का अर्थ चक्रीय होना चाहिए। चक्रीय का अर्थ यानी कि एक पूरा साइकिल यानी कि चक्कर बनना चाहिए, जैसे बेंजीन है, पूरा चक्कर बन रहा है। इस प्रकार से जैसे मान लो ये कंपाउंड है तो पूरा चक्कर बन रहा है, यानी कि कोई भी एरोमेटिक है, एरोमेटिक होने के लिए अपने क्या होना चाहिए? एक पूरा साइकिल, पूरा चक्कर बनना चाहिए, तभी उसको अपने एरोमेटिक कहेंगे, अन्यथा उसको एरोमेटिक नहीं कह सकते। पहली कंडीशन क्या है? यौगिक चक्रीय होना चाहिए, अचक्रीय नहीं। अचक्रीय का अर्थ है जैसे मान लो इस प्रकार से हो, तो ये एरोमेटिक कभी नहीं हो सकता। एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक होना जरूरी है। पहली कंडीशन सबके ध्यान में आ गई, देखते ही पहचान जाओगे कि पूरा चक्कर है या नहीं। चक्कर है तो फिर आगे बातों पर विचार करेंगे, और चक्कर ही नहीं है तो कोई विचार नहीं। इसके बाद में दूसरी बात पर आते हैं, कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन यानी कि साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। साइक्लिक रेजोनेंस का अर्थ चक्रीय अनुनाद होना चाहिए। चक्रीय अनुनाद का अर्थ कि एक अनुनाद में एक पूरा चक्र बनना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन पूरे चक्र के रूप में घूमना चाहिए। जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पर लें, सबसे सरल एग्जाम्पल से लेते हैं और कठिन के और बढ़ेंगे अपने। जैसे मान लो कि ये बेंजीन है, बेंजीन में रेजोनेंस कैसे होता है? ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, बंद के इलेक्ट्रॉनों का घूमना ही अनुनाद होता है। जैसे बेंजीन की बात करें तो ये डबल बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएं, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएं और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, तो क्या कंडीशन हो जाएगी? कौन कहां आ गया, कैसे आ गया? ये देखो, ये बंद के इलेक्ट्रॉन, डबल बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आ गई, डबल बंद यहां बना, बंद के इलेक्ट्रॉन घूम रही हैं। बंद के इलेक्ट्रॉनों का घूमना ही अनुनाद कहलाता है। अनुनाद क्या है? इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइज्ड होना। इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइज्ड होने का अर्थ क्या है? एक जगह नहीं रहना, घूमते रहना। एक तो यहां बेंजीन में अनुनाद है, इसका मतलब बेंजीन
के अंदर, बेंजीन की वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो लगातार घूम रही हैं, एक जगह नहीं बैठी हैं, टिक कर नहीं बैठे हैं, घूम रही हैं, तो यहाँ पर अनुनाद है। और ये अनुनाद पूरा पूरे चक्कर में हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन फिर वापिस से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये ऐसे घूमते रहेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, चक्रीय अनुनाद, साइक्लिक रेजोनेंस। एक चक्कर के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो उस अनुनाद को क्या कहेंगे, बोलो, चक्रीय अनुनाद, साइक्लिक रेजोनेंस। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो साइक्लिक रेजोनेंस की बात हुई कि सबसे पहला एरोमेटिक होने के लिए यौगिक कैसा होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। दूसरा, उसमें चक्रीय अनुनाद होना चाहिए, चक्रीय होगा तभी चक्रीय अनुनाद होगा। तो ये तो बात हो गई। अब आपको एक चक्रीय अनुनाद और देखना है, चक्रीय के बाद में, कि यौगिक सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए और दूसरा उस साइकिल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहना चाहिए, यानी कि साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। तीसरी बात क्या है, यौगिक प्लेनर होना चाहिए। अब प्लेनर की क्या डेफिनेशन है, कि प्लेनर का मतलब है समतलीय। समतलीय वो होते हैं जो एक, यानी कि 2D पर इस प्रकार से रखे जा सकते हैं, समतलीय प्लेनर। तो प्लेनर में प्रत्येक कार्बन का संकरण sp2 होना चाहिए, प्रत्येक कार्बन का संकर हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। ये नियम हार्ड एंड फास्ट नहीं है, प्लेनर संरचना वाले आपको पहचानने की जरूरी नहीं है। बाकी चीजें देख लो कि अकल के नियम की पालना कर रहा है, कंजुगेशन है, साइक्लिक है, तो लास्ट के अंदर आप प्लेनर देखना। जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे वैसे वैसे आपकी ध्यान में आता जाएगा मामला। इसके बाद में है अकल के नियम की पालना। अकल जी क्या कर रही है, अकल ये कह रहा है कि वे कंपाउंड जिसमें 4n+2π इलेक्ट्रॉन हो, वे कंपाउंड जिनमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4n+2π इलेक्ट्रॉन हो, तो वे एरोमेटिक होते हैं। अकल कहता है कि जिसमें 4n+2π इलेक्ट्रॉन हो वे एरोमेटिक होते हैं, कि ऊपर वाले शर्तों की पालना करे। तो ये तीन शर्तों के बाद में चौथी शर्त अकल का नियम है, इन चारों नियमों की पालना, यानी कि चारों शर्तों की पालना करिए वो एरोमेटिक है। एक ही नाराज हो जाए ना तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो एरोमेटिक के एग्जाम्पल लेंगे अपने बार बार। तो अकल ने क्या बताया कि 4n+2π इलेक्ट्रॉन, ये एन क्या है, एन यहां पर हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 या डैश डैश कोई 5 है आगे। एन की जगह 0 रख दें, एन की जगह 0 रख दें तो क्या आ जाएगा, 4n+2π इलेक्ट्रॉन। तो ये 0 हो गया तो 2π इलेक्ट्रॉन, क्या आ जाएगा, 2π इलेक्ट्रॉन। 1 रख दें तो 4+2 6π इलेक्ट्रॉन। 2 रख दें तो 4 को 8 2 10 10π इलेक्ट्रॉन। 3 रख दें तो कितना आ जाएगा, 4 × 3 12π इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 × 3 12, 12 में 2 और जोड़े तो कितना आ गया, 14 14π इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से देखो आप गौर से, 2π इलेक्ट्रॉन, फिर कितने ऐड हुए हैं, 4 6π इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें कितने ऐड हुए, 4, 10 10 में 4 जोड़े 14, और 4 जोड़ेंगे तो यहां पर 4 रखेंगे तो 4 × 16 = 18 18π इलेक्ट्रॉन। तो 14 में कितने जोड़े, तो 18 4, 10 में कितने जोड़े कि 14 4, यानी कि 4 4 जोड़ते जाओ, 2 से लगो तो 2 6 10 14, इस प्रकार से इतने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो अकल के अनुसार एरोमेटिक होते हैं। इसके अलावा पहली कंडीशन आपको देखनी है कि यौगिक चक्रीय होना चाहिए, दूसरी देखना है कि उसमें साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, तीसरी बात क्या देखनी है कि प्लेनर होना चाहिए, और चौथा क्या देखना है, अकल के नियम की पालना होनी चाहिए।
यार ये देना आरपीएस से पूछा गया था कि ये ब्रेक दे, एक ऑप्शन में इस प्रकार यहाँ था ब्रेक दे। कई विद्यार्थियों ने, गुरुजनों ने, विद्यार्थी तो क्या कहें इनको, गुरुजन कहें, कई गुरुजनों ने ऐसे कर दिया तो वो गलत होगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर है। तो थोड़ा सा ध्यान, सिली मिस्टेक होती है एग्जाम में, ये कैसी होती है, कम पढ़ने से ही। आगे बात ध्यान में, शाबाश। अब देखो, अब एरोमेटिक को अपने विस्तार से पढ़ेंगे, तब एग्जाम्पल लेकर पढ़ेंगे, तब सब कुछ ध्यान में आएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, कतई आवश्यकता नहीं। और एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक में शुरुआत की तीन चीजें तो वैसी की वैसी है, एंटी एरोमेटिक होने के लिए शुरुआत की तीन चीजें तो वैसी की वैसी है कि साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, यानी कि कंजुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ये तीन चीजें तो वैसी की वैसी है, चाहे एरोमेटिक हो चाहे ये इक्वल है, बराबर है, लेकिन अंतर क्या है, एरोमेटिक होते हैं वो अकल के नियम की पालना करते हैं, जबकि एंटी एरोमेटिक होते हैं वो अकल के नियम की पालना नहीं करते। इसमें अकल क्या कह रहा है, 4n+2π इलेक्ट्रॉन वाले एरोमेटिक होते हैं, तो इस वाले सूत्र में 2 को हटा देना, 2 गायब कर दोगे तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। आई बात ध्यान में, 4n+2π इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 4n π इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, बड़ा डिफरेंस है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में। एरोमेटिक कंपाउंड बहुत अधिक स्थायी होते हैं, एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्थायी होते हैं, सबसे निचले दर्जे के स्थायी होते हैं, इनका स्थायी तो बहुत ही कम होता है, यानी कि ये बहुत ही खराब टाइप की अड़बत्ती जीव होते हैं, इनका स्थायी तो नहीं होता। एरोमेटिक होती है, इनका स्थायी तो बहुत ही ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा स्थायी तो एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और अंतिम अंत में स्थायी तो किसका है, एंटी एरोमेटिक का है। आई बात ध्यान में, किसी अभिक्रिया में एंटी एरोमेटिक बन रही हो ना, तो उसकी अभिक्रिया के होने की संभावना भी बहुत कम नाममात्र की होती है, या नहीं होती। तो एंटी एरोमेटिक के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, शुरुआत की तीन बातें तो एरोमेटिक वाली है, अंतर क्या है, यहां पर 4n+2π इलेक्ट्रॉन है और यहां पर क्या है, 4n π इलेक्ट्रॉन, बस केवल एक अंतर है, एक छोटा सा अंतर होने के कारण यहाँ पर 2 है तो एरोमेटिक है, 2 नहीं है तो एंटी एरोमेटिक है। जैसे जैसे एग्जांपल लेंगे, एन की जगह देखो, यहाँ तो एन 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 0 नहीं हो सकता, एन 0 कर दोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो एन की जगह कम से कम एक लें या दो लें, तीन लें, चार लें, पांच लें, डैश डैश। एन की जगह मान लिया कि अपनों ने क्या ले लिया, एक ले लिया, तो एक इसमें मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, एक रखा तो 4π इलेक्ट्रॉन, दो रखा तो 8π इलेक्ट्रॉन। देखो हमने जैसे n की जगह एक रख दिया, तो एक रखेंगे तो क्या जाएगा, 4π इलेक्ट्रॉन, दो रखा तो 4 × 2 = 8π इलेक्ट्रॉन, तीन रखा तो 4 × 3 = 12π इलेक्ट्रॉन, चार रखेंगे तो बताओ, शाबाश, एन की जगह 4 रखा, 4 × 4 = 16π इलेक्ट्रॉन, पांच रखेंगे तो कितना, 20π इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, इस प्रकार से पाई इलेक्ट्रॉन हो। और ये शुरुआत की जो तीन है कि साइक्लिक हो, कॉन्जुगेशन में हो, यानी कि साइक्लिक रेजोनेंस पाता हो और प्लेनर स्ट्रक्चर रखता हो, तो वो एंटी एरोमेटिक होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले अपने, तो ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि 2π इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2π इलेक्ट्रॉन ये रहे, 4π इलेक्ट्रॉन है, तो 4π इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, कंजुगेशन का मतलब डबल सिंगल, डबल सिंगल,
तो ये कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो अपने एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के अलावा जो भी बच जाते हैं वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। तो नॉन एरोमेटिक कौन से बच गए, सब एरोमेटिक भी साइक्लिक है, एंटी एरोमेटिक भी साइक्लिक है। तो ये नॉन एरोमेटिक साइक्लिक भी हो सकते हैं, और असाइक्लिक जो बच गए वो सभी सभी असाइक्लिक हैं, वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। हो सकता है साइक्लिक भी जिनके अंदर कंजुगेशन है हो या प्लेनर स्ट्रक्चर है हो, तो वो किस किस में आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। या फिर जिसमें ओड नंबर में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो, ओड नंबर का मतलब विषम संख्या के अंदर इलेक्ट्रॉन हो। तो ये देखो इसमें विषम संख्या में है, यानी कि फ्री रेडिकल बना हुआ है, तो इनके अंदर ये कैसे होंगे, नहीं तो ये एरोमेटिक हो सकते, नहीं ये एंटी एरोमेटिक है, तो ये कैसे है, नॉन एरोमेटिक है। तो अब अपने विस्तार से पढ़ेंगे कि एरोमेटिक क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एरोमेटिक की। एरोमेटिक की बातें बताती, डीलोकलाइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, या अपने ऐसे कहें कि इलेक्ट्रॉनों का घूमना क्या कहलाता है, अनुनाद कहलाता है। तो अनुनाद के लिए आवश्यक कंडीशन क्या होती है, अनुनाद कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुनाद कब हो सकता है। तो अनुनाद के लिए यदि डबल बंद, सिंगल बंद, डबल बंद, यानी कि डबल बंद एकांतर क्रम में हो, तो अनुनाद हो सकता है। तो अनुनाद के लिए पहली कंडीशन क्या है, डबल सिंगल डबल, या हम ऐसे कहें कि पाई बंद, सिग्मा बंद, पाई बंद, या ऐसे भी हो सकता है कि पाई बंद हो, डबल बंद हो, सिग्मा हो, प्लस हो, डबल बंद हो, सिग्मा हो, माइनस हो, डबल बंद हो, सिग्मा हो, या लोन पेयर हो। लोन पेयर का ही ध्यान रखना, जो वो ही लोन पेयर माने जाएंगे जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि अनुनाद में भाग लेते हैं। या फिर ट्रिपल बंद भी हो सकता है, ट्रिपल बंद, सिग्मा बंद और डबल बंद, या ट्रिपल बंद सिग्मा प्लस माइनस लोन पेयर, जो भी है, यानी कि ये बात ट्रिपल बंद के साथ भी हो सकती है। जैसे ट्रिपल, या इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके पश्चात थोड़ा और आगे बताते हैं। ये भी है कि प्लस है सिग्मा बंद, प्लस है प्लस सिग्मा बंद है, माइनस हो, या डबल बंद सिंगल बंद प्लस हो, या ट्रिपल बंद सिंगल बंद प्लस हो, ट्रिपल बंद सिंगल बंद और नेगेटिव हो, या ट्रिपल बंद के साथ लोन पेयर हो, यानी कि ये ट्रिपल बंद होगा तो भी रेजोनेंस होगा, डबल होगा तो भी रेजोनेंस होगा, ट्रिपल होगा तो भी रेजोनेंस होगा। और ये अपने बार बार एग्जाम्पल करेंगे तब और ज्यादा अपने ध्यान में आएगा, या वीकेंड ऑर्बिटल होता है तब भी रेजोनेंस हो जाता है। तो सबसे पहले ये चार बातों पर अपने विस्तार से बात करेंगे। साइक्लिक, साइक्लिक का समझ गए होंगे, एक पूरा चक्कर हो, यानी कि पूरी घुमाई हो सकती हो। कंजुगेशन, कंजुगेशन का मतलब डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल माइनस, ये सभी बातें होंगी ना, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल माइनस, या फिर ट्रिपल हो तो भी काम चल जाता है, या फिर प्लस सिंगल प्लस, प्लस सिंगल माइनस, यानी कि लगातार कॉन्जुगेशन होना चाहिए, यानी कि साइक्लिक रूप में होना चाहिए, यानी कि रेजोनेंस है वो साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, चक्रीय अनुनाद होना चाहिए। तीसरी बात है कि प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर अब कंपाउंड है, अब कंपाउंड को देखकर, अपने देखकर सीधा ही नहीं बता सकते कि ये प्लेनर है या नहीं है, तो इसके लिए अपने को याद ही करना पड़ेगा कि कंपाउंड कौन से प्लेनर होते हैं, कौन से नॉन प्लेनर होते हैं। कुल मिलाकर अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, MTR करना पड़ेगा, कर लेंगे अपने कोई दिक्कत नहीं। इसके पश्चात आता है अक्ल का रूप। अक्ल साहब क्या कहते हैं, अक्ल साहब ये कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड में यदि 4N+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो एरोमेटिक
होते हैं यदि ये इन अन्य सत्यों की भी पालना करते हैं। तो कल का रूल तो आप सीधा ही ध्यान रखना, 4n+2π इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं कल के नियम की, कि अकल के नियम में कब कितने कैसे पाई कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो। तो अकल क्या कहते हैं कि जिन कंपाउंड में 4n+2π इलेक्ट्रॉन हो वो एरोमेटिक होते हैं। एन क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 सकता है। तो इसके अंदर एन का मान एक बार 0 रखकर देखो तब कितने पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं। एन का मान 1 रखकर देखो, एन का मान 2 रखकर देखो, एन का मान 3 रखकर देखो। तो देखते हैं, आपने सबसे पहले 0 रखकर देखते हैं। तो 4n+2π इलेक्ट्रॉन, एन की जगह 0 रखा तो 4 × 0 0 ही हो गया 2π इलेक्ट्रॉन। तो एन बराबर 0 रखे तो आया अपना मान 2π इलेक्ट्रॉन। 1 रखा तो 4 × 2 = 6π इलेक्ट्रॉन, 2 रखा तो 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 10π इलेक्ट्रॉन 10π इलेक्ट्रॉन, 3 रखा तो 4 × 3 = 12 + 2 14π इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से 4 रखा तो 18π इलेक्ट्रॉन। अब देखो 2 को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 × 2π इलेक्ट्रॉन, 1 × 2π इलेक्ट्रॉन। 6 को कैसे लिख सकती हैं, 3 × 2, 3 × 2 = 6 है, 3 × 2π इलेक्ट्रॉन। 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 2π इलेक्ट्रॉन, 5 × 2 करेंगे 10 आ जाएगा 10π इलेक्ट्रॉन। 14 को कैसे लिख सकते हैं, 7 × 2π इलेक्ट्रॉन, 7 × 2 = 14, 9 × 2 = 18, 18 को कैसे लिख सकते हैं, 9 × 2π इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आ जाएगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है, अब देखो 2π इलेक्ट्रॉन तो रख लिए। इसके साथ हमने देखा कि एक विचित्र बात घटना घटित हो रही है, कि ये वो विचित्र बात क्या है कि 1, 3, 5, 7, 9 कौन सी संख्या है, ओड है या इवन है। ओड, शाबाश, तो ओड नंबर आ रही है, ओड का मतलब विषम नंबर आ रहा है। विषम को 2π इलेक्ट्रॉन से गुणा कर रही है। 2 को कहते हैं पेयर, पेयर का अर्थ जोड़ा, पाई इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर हो गया। तो पाई इलेक्ट्रॉनों के कितने जोड़े पाए जाए विषम संख्या में पाए जाए तो वो एरोमेटिक होगा। पाई इलेक्ट्रॉनों के पेयर यदि ओड संख्या में हो तो वो एरोमेटिक होगा। इन तीन शर्तों की पालना के साथ साथ यदि विषम संख्या में पाई इलेक्ट्रॉन युगम हो किस संख्या में, विषम संख्या में पाई इलेक्ट्रॉन युगम हो तो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। तो सबके ध्यान में आ गया, शाबाश, विषम संख्या में पाई इलेक्ट्रॉन युगम हो तो वो एरोमेटिक होगा। किस में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बंद में बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2π इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बंद में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, शाबाश बोलो 2π इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2π इलेक्ट्रॉन, बताओ पॉजिटिव चार्ज में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, ना, पॉजिटिव चार्ज बेचारे में कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज में बेचारे में कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लोन पेयर में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर यदि अनुनाद में भाग ले रहा है तो 2π इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर यदि अनुनाद में भाग ले रहा है यानी कि डीलोकलाइज्ड है 2π इलेक्ट्रॉन, यदि लोन पेयर अनुनाद में भाग ही नहीं लेता तो 0π इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना कि पाई इलेक्ट्रॉन वो ही गिनती होते हैं जो अनुनाद में भाग लेते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं,
रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन वही है जो रेजोनेंस अनुनाद में भाग लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। शाबाश, बहुत बढ़िया। आपको ये बताना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है एरोमेटिक। तो सबसे पहले ये चार बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात की बात करते हैं कि ये क्या, ये साइक्लिक है क्या? साइक्लिक का मतलब एक पूरा चक्कर है क्या, यहां से चले और एक पूरा चक्कर निकाल कर यहीं पहुंच गए, इसका मतलब ये साइक्लिक है। ये साइक्लिक है या नहीं है? शाबाश, पहला पता चला कि साइक्लिक है कि नहीं। दूसरा, कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल प्लस। तो देखो इसमें जांच करो कि सबसे पहले डबल बंद है, यहां से चलते हैं अपने, डबल डबल के बाद में सिंगल प्लस, डबल सिंगल, डबल बंद है, सिंगल बंद है, प्लस, यानी कि इस प्रकार से आई है डबल सिंगल प्लस। कंजुगेशन की शर्त की पालना हो रही है। अब यहां से चले अपने प्लस सिंगल डबल, तो यहां से चले तो प्लस सिंगल डबल, डबल सिंगल प्लस, प्लस सिंगल डबल, यानी कि इस कंपाउंड में कंजुगेशन है। तो दूसरी बात का पता लग गया कि इसमें कंजुगेशन है, कंजुगेशन है, यानी कि क्या है इसमें? साइक्लिक रेजोनेंस है इसमें, साइक्लिक रेजोनेंस पाया जा रहा है इसमें, साइक्लिक रेजोनेंस पाया जा रहा है। कैसे पाया जा रहा है इसको देखो, साइक्लिक रेजोनेंस है तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी? तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का बनाकर दिखाते हैं। देखो ऐसा हो सकता है कि ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाए, ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाए, यहां डबल बंद बनाने भाग ले लें, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बंद, ये डबल बंद के इलेक्ट्रॉन आए नहीं, तो यहां डबल बंद बन जाएगा, तो यहां पर प्लस रहेगा, नहीं प्लस चार्ज किस पर आ जाएगा? इस पर। ऐसा भी हो सकता है कि ये डबल बंद यहां पहुंच जाए तो चार्ज अब यहां डबल बंद आ जाएगा और चार्ज इस पर। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से हो रहा है, ये ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, यहां डबल बंद हो जाएगा, चार्ज प्लस इस पर, तो वो पहली वाली आ गई, यानी कि वापिस रेजोनेंस में वापिस वही शर्त आ रही है, यानी कि एक साइक्लिक रेजोनेंस है, चक्रीय नाद है। तो दूसरी शर्त की भी पालना होगी, साइक्लिक कंपाउंड है, कंजुगेशन है, साइक्लिक रेजोनेंस है। इसके पश्चात तीसरी शर्त की बात करते हैं। तीसरी शर्त क्या है कि यौगिक की प्लेनर संरचना होनी चाहिए। स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए? तो यौगिक में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। जैसे देखें यहां पर, देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्मा बंद कैलकुलेशन कर लिया, तो सिग्मा बंद कैलकुलेट कर लो, यहां पर एक सिग्मा, दो सिग्मा, और यहां पर कार्बन है, तीन संयोजकता पूर्ण हो गई, तो एक यहां पर क्या है? हाइड्रोजन, तो ये सिग्मा, तो एक दो तीन, तीन सिग्मा हो तो संकर कौन सा? sp2। इसी प्रकार यहां पर डबल बंद है सिंगल, और एक यहां पर हाइड्रोजन है, तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, डबल बंद में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, तो तीन सिग्मा है, तो इसका संकर भी क्या है? sp2। यहां पर देखो एक सिग्मा दो सिग्मा, और एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और एक हाइड्रोजन है, तो कितने सिग्मा हो गए? तीन सिग्मा, तो इसका भी संकर क्या है? sp2, यानी कि प्रत्येक कार्बन का संकर sp2 है।
तो ये कैसा है? समतलीय है। ये कैसा है? समतलीय है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? प्लेनर। इसके बाद में देखते हैं अपने कि अकल के नियम की पालना कर रहा है या नहीं कर रहा। अकल के नियम की पालना कर रहा है या नहीं कर रहा। अकल क्या कहता है? कि यौगिक का इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4n+2π इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एन की जगह 0, 1, 2, 3 जीरो रखें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2π इलेक्ट्रॉन, या तो 2π इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 6π इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें देखें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। ये डबल बंद है तो 2π इलेक्ट्रॉन, और कोई पाई इलेक्ट्रॉन है नहीं तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2π इलेक्ट्रॉन है। यानी कि अक्कल के नियम की पालना भी क्या हो रही है इसमें? अक्कल के नियम की पालना हो रही है। अकल अकल के नियम की पालना हो रही है, यानी कि चारों बातों की पालना हो रही है। साइक्लिक भी है, कंजुगेशन साइक्लिक रेजोनेंस है, प्लेनर संरचना है, अकल के नियम की पालना हो रही है। इन चारों बातों से पता चल गया कि कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक है। शाबाश, सबके ध्यान में आया? बहुत बढ़िया, सबके ध्यान में आया है तो कमेंट कर कर हमें बताना कि सर हमारे को वास्तव में समझ में आया, झूठ मत बोलना। चलो भाई अगला एग्जांपल देखते हैं अपने। इस प्रकार से हो कोई कंपाउंड, तो एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? तो देखो साइक्लिक है क्या? पहली बार का तो पता चला कि ये साइक्लिक है। दूसरा कंजुगेशन है क्या? कंजुगेशन देखो डबल सिंगल माइनस, माइनस सिंगल डबल, बताओ कंजुगेशन है या नहीं? डबल सिंगल माइनस, माइनस सिंगल डबल, कंजुगेशन पाया जाता है, कंजुगेशन उपस्थित है। तो दूसरी बात का पता चला कि कंजुगेशन है इसके अंदर। तीसरी बात कि प्लेनर स्ट्रक्चर, हाँ इसकी संरचना प्लेनर होती है। चौथी बात कि अकल के नियम की पालना करता है क्या? अकल के लिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 या 6 या 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहां पर देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। डबल बंद में कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। माइनस में कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला अकल के नियम की पालना नहीं करता। तीन बातों की पालना की लेकिन चौथी बात में अटक गया, अकल के नियम की पालना नहीं की। तो ये एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा? एरोमेटिक बोलो होगा या नहीं होगा? बोलो बोलो, होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अकल के नियम की पालना नहीं की। तो एरोमेटिक तो नहीं है, लेकिन शुरुआत की तीन बातों की पालना कर रहा है। शुरुआत की तीन बातों की पालना कर रहा है लेकिन अक्कल की पालना नहीं कर रहा। लेकिन किसकी पालना कर रहा है ये? 4n π इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4n π इलेक्ट्रॉन कौन से की पालना कर रहा है? एंटी एरोमेटिक वाले की पालना कर रहा है। तो एरोमेटिक नहीं होगा, तो फिर ये कैसा होगा? ये होगा एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक शॉर्ट में इसको ए कहते हैं। कैसा है ये? एंटी एरोमेटिक। तो ये बता दिया कि एंटी एरोमेटिक बहुत ही कम स्थाई होते हैं, बहुत ही क्या, सबसे कम स्थाई होते हैं। तो कोई भी कंपाउंड देखते आप बता सकते हो। पाई इलेक्ट्रॉनों की गणना के लिए आप देखो, माइनस में 2π इलेक्ट्रॉन, डबल बंद में 2π इलेक्ट्रॉन, या फिर डबल बंद विषम संख्या में हो,
तो वो एरोमेटिक होगा, बाकी नियमों की पालना करेगा तब। तो वो ट्रिक आपको लास्ट में बता दी जाएगी कि एक छोटी सी ट्रिक, पहले तो इसको पूरा पढ़ेंगे फिर एक छोटी सी ट्रिक बता देंगे, आप ट्रिक को देखते हैं आप एरोमेटिक है या नहीं है, लेकिन पहले ट्रिक बता देंगे तो प्रतीक करेगी ना। तो आप बाद में बताएंगे ट्रिक भी कि कैसे शॉर्ट में कैसे पता लगा सकते हैं। तो अगला एग्जाम्पल देखो, किस प्रकार से हो, ये एरोमेटिक है या नहीं, यानी कि साइक्लोप्रोपीन है, क्या है, साइक्लोप्रोपीन, ये साइक्लोप्रोपीन, और एक डबल बंद लगा दिया, इन डबल बंद का अनु लगन इन, तो साइक्लोप्रोपीन है। तो साइक्लोप्रोपीन साइक्लिक है क्या, हाँ साइक्लिक है। कंजुगेशन है क्या, डबल सिंगल फिर सिंगल फिर डबल आया, डबल सिंगल सिंगल डबल, कंजुगेशन टूट चुका है तो ये कंजुगेशन नहीं है। ध्यान दें, अब की बार कंजुगेशन टूट चुका है, कंजुगेशन नहीं है, तो दूसरी बात पर ही प्लेनर संरचना है क्या, नहीं है, क्योंकि यहां पर इस कार्बन का संकरण क्या है, sp3 है, प्लेनर भी नहीं है। कल के नियम की पालना करता है क्या, कल ने कहा था 4n+2π इलेक्ट्रॉन हो, तो यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2π इलेक्ट्रॉन। कल के नियम की पालना जरूर कर रहा है, लेकिन शुरुआत में ही बात बिगड़ गई, तो ये एरोमेटिक होगा क्या, नहीं होगा। एंटी एरोमेटिक होगा क्या, कल के नियम की पालना भी नहीं कर रहा, ऊपर वाले नियमों की पालना नहीं कर रहा, एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा, तो फिर कैसा होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा, न तो एरोमेटिक है न एंटी एरोमेटिक है, तो बच गया क्या, नॉन एरोमेटिक। तो ये कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो आप इन बातों को आसानी से समझ सकते हैं, और एग्जांपल देखते हैं अपनी। जैसे देखो, ये मानो क्या है, ये प्यूरेन, शाबाश। तो ये प्यूरेन एरोमेटिक होती है कि नहीं होती, एरोमेटिक होती है या नहीं होती, कैसे पता चलेगा, देखो सबसे पहले साइक्लिक है क्या, हाँ साइक्लिक जरूर है। ये कंजुगेशन है क्या, कंजुगेशन देखो डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, यानी कि डबल सिंगल डबल है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर है, डबल सिंगल लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल है, लोन पेयर सिंगल डबल है, तो यानी कि ये कंजुगेशन है, कंजुगेशन है या नहीं है, तो साइक्लिक है, कंजुगेशन भी है। तीसरी बात आती है प्लेनर, तो ये बिल्कुल प्लेनर भी है। तीसरी बात आई, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात कि ये प्लेनर है क्या, बिल्कुल प्लेनर भी है। चौथी बात, ये अक्कल के नियम की पालना करता है क्या, अक्कल साहब क्या कहते हैं, अक्कल साहब ये कहते हैं कि विषम संख्या में क्या होना चाहिए, विषम संख्या में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, विषम संख्या में क्या होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म का अर्थ जोड़ा, या तो क्या होना चाहिए, एक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म हो, एक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब 2π इलेक्ट्रॉन, या तो एक इंटू 2π इलेक्ट्रॉन हो, या फिर क्या हो 3 × 2π इलेक्ट्रॉन हो, या फिर क्या हो 5 × 2π इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि अकल ने ये कहा था ना 4n+2π इलेक्ट्रॉन हो, n की जगह मान रखकर 0 1 2 3 रखकर आपने ये निकाला था
कि 2π इलेक्ट्रॉन को एक जैसा रख लिया तो आगे संख्या कौन सी आती है, विषम संख्या में। तो अब देखो यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2π इलेक्ट्रॉन, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है लेकिन बाहर बैठा है, वो लाज में भाग नहीं ले रहा, ये रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा, ये पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये तो 2 2 4 और 2 6, तो 6π इलेक्ट्रॉन है। तो आप ऐसा देख लो, 3 × 2π इलेक्ट्रॉन, 2π इलेक्ट्रॉन को गुणा कर देख लिया करो, यदि ये संख्या विषम आती है तो अक्कल के नियम की पालना होगी, या आप सीधे डबल बंद गिन लिया करो, लोन पेयर गिन लिया करो, तो विषम संख्या में आ जाए तो अक्कल के नियम की पालना होगी। जैसे देखो 1 2 और 3, 3 विषम संख्या में है तो अक्कल के नियम की पालना होती है, अक्कल के नियम की पालना होती है। तो ये चारों बातें साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, अक्कल के नियम की पालना हो रही है, तो ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, साइक्लिक हो, कॉन्जुगेशन में हो, प्लेनर संरचना हो, अक्कल के नियम की पालना हो, एरोमेटिक होता है। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है, आपको बताना है कि एरोमेटिक है या नहीं। बताओ ये साइक्लिक है क्या, बिल्कुल है, एक पूरे चक्र में बंद संरचना है, ये देखो बंद है, साइक्लिक है। दूसरा कॉन्जुगेशन है क्या, डबल सिंगल डबल, यहाँ कॉन्जुगेशन है, फिर डबल सिंगल 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 डबल, कॉन्जुगेशन टूट चुका है, कॉन्जुगेशन नहीं है। प्लेनर है क्या, नहीं, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन sp3 है, बाकी कार्बन तो sp2 है लेकिन ये 3 है, प्लेनर भी नहीं है। अक्कल के नियम की पालना, 2π 2π, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4π इलेक्ट्रॉन, अक्कल के नियम की पालना भी नहीं हो रही है, तो ये एरोमेटिक है क्या, नहीं है एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक है क्या, नहीं है एंटी एरोमेटिक, क्योंकि शुरुआत की 3 बातें एंटी एरोमेटिक में भी होनी चाहिए, तो ये फिर कैसा है, नॉन एरोमेटिक होगा। अब इसमें देखो अगला एग्जांपल, साइक्लिक है क्या, बिल्कुल है, साइक्लिक सबको दिखाई दे रहा है, एक चक्कर के रूप में है। कॉन्जुगेशन है क्या, डबल सिंगल डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल माइनस, माइनस सिंगल प्लस, माइनस सिंगल प्लस, प्लस सिंगल डबल, तो कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल सही, शाबाश। प्लेनर है क्या, हाँ प्लेनर भी है, 3 बातों की पालना हो गई ऊपर वाली। तो अब चौथी बात, एरोमेटिक अक्कल के नियम की पालना करता है क्या, देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4π इलेक्ट्रॉन, प्लस में कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, डबल बंद में 2, नेगेटिव में 2, तो 2 2 4 4π इलेक्ट्रॉन, अक्कल के नियम की पालना नहीं होती, तो कैसा है, 3 बातों की पालना चौथी की नहीं हो रही, तो एरोमेटिक तो नहीं होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। एंटी एरोमेटिक हो सकता है क्या, एंटी एरोमेटिक में कौन सी बात थी, 4n π इलेक्ट्रॉन, एन किस गए एक रखें, 4π इलेक्ट्रॉन, 4π इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक, तो ये कैसा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक है ये। अगला देखो, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल माइनस माइनस सिंगल माइनस माइनस सिंगल डबल, तो कॉन्जुगेशन है। प्लेनर है, प्लेनर भी है, अक्कल की पालना हो रही है क्या, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 1 2 3, यानी डबल बंद, नेगेटिव नेगेटिव, 1 में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2π इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 6π इलेक्ट्रॉन, 6π इलेक्ट्रॉन, अक्कल के नियम की पालना हो रही है, तो एरोमेटिक होगा, ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, ये नॉन एरोमेटिक था, ये एरोमेटिक हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि 1 2 3
विषम संख्या में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए, दो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, छह पाई इलेक्ट्रॉन है, तो तीन विषम संख्या में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म है तो ये एरोमेटिक होगा, एक दो तीन पाई इलेक्ट्रॉन युग्म है तो ये एरोमेटिक होगा, साइक्लिक है बिल्कुल है, कंजुगेशन है डबल सिंगल प्लस प्लस सिंगल प्लस, समझ गए होंगे कंजुगेशन है, प्लेनर संरचना है बिल्कुल है, अक्कल के नियम की पालना हो रही है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है टू, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, टू पाई इलेक्ट्रॉन, अक्कल के नियम की पालना हो रही है, तो कैसा है ये एरोमेटिक है, तब अब आप देखते ही बता सकते हो कि एरोमेटिक है या नहीं है। बेंजीन एरोमेटिक है क्या, कितने साइक्लिक है, कंजुगेशन है, प्लेनर संरचना है, अक्कल के नियम की पालना हो रही है क्या, एक दो तीन पाई, तीन डबल बंद है तो तीन इंटू टू पाई इलेक्ट्रॉन, टू पाई इलेक्ट्रॉन, टू टू फोर सिक्स, तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि थ्री इंटू टू पाई इलेक्ट्रॉन है, अक्कल के नियम की पालना हो रही है तो एरोमेटिक है, तो आप इस प्रकार से एरोमेटिक बता सकते हो आसानी से। आपको पाइरोल व पिरिडीन दिखाई गई है, इसमें से बताना है कि एरोमेटिक कौन सी है, एंटी एरोमेटिक कौन सी है और नॉन एरोमेटिक कौन सी है। देखो सबसे पहले साइक्लिक है क्या, ये भी साइक्लिक, तो दोनों ही साइक्लिक है, पहली कंडीशन दोनों पार कर गई। कंजुगेशन है क्या, कंजुगेशन आपको बता दिया, कंजुगेशन साफ दिखाई दे रहा है नहीं। प्लेनर है क्या, बिल्कुल दोनों ही प्लेनर, अक्कल के रूल की पालना कर रहे हैं क्या, डबल बंद, एक डबल बंद आ गया, दूसरा डबल बंद आ गया और तीसरा क्या है, लोन पेयर, तो तीन इंटू टू पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें डबल सिंग डबल डबल डबल, इसमें भी तीन इंटू टू पाई इलेक्ट्रॉन है, एक डबल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, दो, दो यहां कितनी बार आ रहे हैं, टू पाई इलेक्ट्रॉन तीन बार, तो ये ओड संख्या में है, विषम संख्या में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, दोनों ही अक्कल के नियम की पालना कर रही है, दोनों ही एरोमेटिक है। ध्यान देना कि नाइट्रोजन वाला लोन पेयर यहाँ पर अनुनाद में भाग नहीं ले रहा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसलिए ये लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है, वो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये तो वलय के अंदर घूमता रहता है और ये यहीं बैठा रहता है, तो बताओ कौन सा ज्यादा लुइस बेस है, लुइस छाल कौन सा है, लुइस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर आसानी से दान कर दे, इसके पास कोई लोन पेयर लेने वाला आया देखा है ही नहीं, लोन पेयर तो वलय के अंदर घूमने गया है और यहाँ पर आया तो यहाँ पर लोन पेयर मिल गया तुरंत ही, तुरंत ही इसने दान कर दिया, तो ये क्या है, मोर बेसिक, ऐसा होगा ये मोर बेसिक, ज्यादा क्षारीय और ये कम क्षारीय, आगे बाजार में सिंपल सी बात है, आप आसानी से कर सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन की, पिरिडीन है, कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा ज्यादा क्षारीय होगा कौन सा कम क्षारीय होगा, इसके बाद में बात करते हैं ट्रोपोलियम आयन, क्या ये एरोमेटिक है, तो देखो CCPH, क्रम से ध्यान रखना, CCPH साइक्लिक है बिल्कुल, कंजुगेशन है बिल्कुल, प्लस सिंगल डबल डबल सिंगल डबल कंजुगेशन है, पूरा ही चक्कर बन रहा है इस प्रकार से, अक्कल के नियम की पालना हो रही है क्या, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, नहीं है, एक इंटू टू पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं डबल बंद में, टू पाई इलेक्ट्रॉन कितनी बार आ रहा है, एक दो तीन बार आ रही है क्या, टू पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, छह पाई इलेक्ट्रॉन, अक्कल के नियम की पालना हो रही है, यानी कि विषम संख्या में टू पाई इलेक्ट्रॉन गुणांक में आ जाए तो अक्कल के नियम की पालना हो रही है, तो ये भी कैसा है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक होने के कारण ट्रोपोलियम आयन बहुत अधिक स्थायी होता है, आप सभी जानते हो कि ये बेचारा ट्रोपोलियम आयन बहुत ज्यादा स्थायी क्यों है, क्योंकि ये
एरोमेटिक है और एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं, मोर स्टेबल। नोट डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, नोट डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन है वो घूम नहीं रही है, यानी कि इनमें कंजुगेशन नहीं है। तो दो प्रकार की कंडीशन हो सकती है कंजुगेशन न होने की, मुख्य रूप से कि डबल बंद फिर सिंगल सिंगल दो बार आ गया, यानी कि बीच में sp3 sp2 sp2 था तब तक तो ठीक थे, यहां पर sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम आ गया तो ये क्या हो गया, लोकलाइजेशन टूट गया यानी कंजुगेशन नहीं रहा, तो इसको क्या कहेंगे, डीलोकलाइज्ड नहीं है, नॉट डीलोकलाइज्ड। इस प्रकार से थोड़ा बड़ा हो तो भी यानी कि sp3 कार्बन आ जाए तो ये कंडीशन ये होती है। दूसरा कंडीशन ये होती है नॉट डीलोकलाइज्ड की सिस्टम प्लेनर होता है तो डीलोकलाइज्ड रहता है, लेकिन सिस्टम प्लेनर ही नहीं रहे, नॉन प्लेनर हो जाए। प्लेनर का मतलब प्लेन पर रखा जा सके वो प्लेनर, और प्लेन पर रखा नहीं जा सकता वो नॉन प्लेनर। जैसे देखो सिस्टम नॉन प्लेनर होने के एग्जांपल दिए हैं, ये कंपाउंड है ये साइक्लो ओक्टा ट्रेट्राइन है, साइक्लो ओक्टा ट्रेट्राइन की बड़ा ज्यादा कार्बन की संख्या होने के कारण ये कैसा हो जाता है, ट्यूब शेप हो जाता है, ये ऐसा नहीं रह पाता, प्लेनर नहीं रह पाता, ये ऐसा होने के कारण ये नॉन प्लेनर हो गया। और नॉन प्लेनर होते ही ये फिर एरोमेटिक भी नहीं होते, फिर एंटी एरोमेटिक भी नहीं होते, क्योंकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होने के लिए ये दोनों कंडीशन, ये तीन कंडीशन आवश्यक है, तो यहाँ पर प्लेनरिटी गायब हो गई। तो ये देखो दो दो चार दो छह दो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 दो 16 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 2 4 2 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था लेकिन नहीं है। अब देखो ये देखो एनुलिन, एनुलिन में जो ये इंटरनल हाइड्रोजन है, इंटरनल हाइड्रोजन हाइड्रोजन के आपस में रिफ्लेक्शन हुआ यानी कि प्रतिकर्षण हुआ, अंदर वाले हाइड्रोजन आपस में लड़ने लग गए जिससे इसकी प्लेनरिटी समाप्त हो गई, यानी कि प्लेनर नहीं रहा, और प्लेनर नहीं रहा तो ये फिर एरोमेटिक नहीं हो सकता, नहीं तो अक्ल के नियम की पालना करता है ये, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, अक्ल के नियम की पालना करता है, लेकिन फिर ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्लेनर नहीं रहा। इसी प्रकार एनुलिन, 12 एनुलिन, यानी कि ये ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, ये कार्बन की संख्या लिखी जाती है, इसमें कितने कार्बन है 12, यहाँ से गिनती शुरू कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 और 12, तो ये 12 एनुलिन है। इसके अंदर जो अंदर वाले जो चार हाइड्रोजन है उनका आपस में प्रतिकर्षण हुआ जिसके कारण इस ये भी प्लेनर नहीं रहा। तो कई बार क्या होता है, अपने को ऐसा लगता है कि ये एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, लेकिन सिस्टम ही प्लेनर नहीं रहता तो भी वो नए तो एरोमेटिक होता नहीं, फिर एंटी एरोमेटिक होता, या फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन युक्त कार्बन आ जाए तो वो भी फिर ये प्लेनर नहीं रह पाता। कुछ एग्जांपल दिए गए हैं आप इनकी, नेफ्थलीन में देखो 1 2 3 4 5 5 2 10 कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। समतलीय संरचना है, साइक्लिक है, चक्रीय है, कंजुगेशन है, प्लेनर है, अक्ल के नियम की पालना कर रहा है, एरोमेटिक होगा। एंथ्रासीन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल बंद है, एक डबल बंद में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 14 पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, होगा, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, साइक्लिक रेजोनेंस है,
कंजुगेशन है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, हकल के नियम की पालना हो रही है, इसका मतलब ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? बताओ, शाबाश, बोलो, एरोमेटिक होगा। अब देखो, बाइफेनिल इस प्रकार के कंपाउंड में आप अलग अलग है। अब देखो, ये तो दो कार्बनों से जुड़े हुए थे, ये सिंगल कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कंपाउंड में अलग अलग है, दोनों में एरोमेटिक अलग अलग में बताना है, एरोमेटिक है, तो ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक, यानी कि इसकी दोनों रिंग एरोमेटिक है। तो आप इस प्रकार से कोई भी एरोमेटिक है या नहीं है आसानी से बता सकते हो। तो आपके सामने दो बेंजीन, एक कार्बन कार्बनिक बेंजीन और एक अकार्बनिक बेंजीन। कार्बनिक बेंजीन आप जानते हो C6H6, अकार्बनिक बेंजीन B3N3H6। दोनों की बात करें, दोनों ही साइक्लिक है, साइक्लिक दोनों ही है। कंजुगेशन डबल सिंगल दोनों में ही है, कंजुगेशन दोनों में ही है। प्लेनर दोनों ही प्लेनर है। अक्कल के नियम की पालना, दो दो चार दो छह पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है और सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है, अक्कल के नियम की पालना हो रही है, यानी कि ये दोनों ही बेंजीन, यानी कि बेंजीन चाहे कार्बनिक बेंजीन हो या अकार्बनिक बेंजीन, सभी दोनों ही एरोमेटिक होती है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक वे कंपाउंड होते हैं, ये शुरुआत के तीन तो एरोमेटिक वाले गुण है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। लेकिन अक्कल के नियम में क्या था, फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अक्कल के नियमानुसार एरोमेटिक के लिए, और फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन न हो और फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन हो, 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वो फिर एंटी एरोमेटिक होता है, और 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वो एरोमेटिक होता है। यानी कि शुरुआत की तीन बातों की पालना करें, चौथी बात पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वो एंटी एरोमेटिक होता है। तो इसमें देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, बाकी ये साइक्लिक है, कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लस में कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 2 2 4, तो यहां पर भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, कंजुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। यहां पर देखो 2 2 4, यहां पर भी क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, डबल सिंगल प्लस प्लस सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, प्लेनर है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। दो दो चार, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक, ये कैसा, एंटी एरोमेटिक, ये कैसा, एंटी एरोमेटिक, ये बात बता दी, यही लिखी है मैंने, एंटी एरोमेटिक बहुत ही कम स्थाई होती है, यानी सबसे कम स्थाई होता है कोई, तो वो होता है एंटी एरोमेटिक। तो कोई सबसे कम स्थाई यानी कि बहुत ही अस्थाई, अस्थाई कोई रहना नहीं चाहता, ये प्रयास करता है कि स्थाई तो प्राप्त कर ले। तो इसी प्रकार से दो एंटी एरोमेटिक होना वो नजदीक आते हैं, तो इस प्रकार से अपनी एंटी एरोमेटिसिटी होने का प्रयास करते हैं, ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर डबल बंद था, सिंगल ही रहा, एक बंद कहां चला गया, नीचे, यहां पर जो डबल बंद था वो, ये डबल बंद तो पड़ा है, ये भी यही है, ये वाला कहां चला गया, ऊपर, तो इस प्रकार से कंपाउंड बन गया, यानी कि पहले एंटी एरोमेटिक था, अब ये एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, लेकिन नॉन एरोमेटिक भी एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्थाई होते हैं, तो ये क्या था, लेस स्टेबल था, और ये क्या है, इसकी तुलना में अधिक स्थाई है। इसी प्रकार से ये एंटी एरोमेटिक था, एंटी एरोमेटिक को कोई एक्टिव मेटल मिला तो उससे इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए,
इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये बंध टूट गया, यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया। तो अब देखो एंटी एरोमेटिक किस में बदल गया, टू टू टू, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या हो जाता है, एरोमेटिक। तो ये बहुत कम स्थाई से बहुत अधिक स्थाई हो गया, एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक में बदल गया। इसीलिए ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लिया और सोडियम किसमें चला गया, Na+ में। इसी प्रकार से ये हो सकता है कि Fe से भी इलेक्ट्रॉन ले ले, तो Fe से इलेक्ट्रॉन ले ले, जैसे Fe +2 है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, 2Fe+2 ले लो, तो क्या बन जाएगा, Fe पर एक इलेक्ट्रॉन और दान कर देगा तो Fe+3 में चला जाएगा। तो इस प्रकार से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो एरोमेटिक में बदलने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि उनका स्थायित्व बढ़ सके।